नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं कविता और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार। तो विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें ना सिर्फ दो लोग बंधते हैं बल्कि उनके दो परिवार भी आपस में मिलते हैं, लेकिन विवाह में देरी लोगों की परेशानी बन जाती है। और आज हम जानेंगे कि कुंडली में ऐसे वो क्या योग होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी होती है, और वो कौन कौन से उपाय हैं जिसकी वजह से आप जल्द ही विवाह के बंधन में बन सकते हैं। तो मैं जी, आप पहले ये बताइए कि कई बार क्या होता है ना कि विवाह की आयु तो हो गई है लेकिन योग नहीं बनते, तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो विवाह में देरी लाते हैं? देखिए, कुंडली में अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, यानी कि जो सप्तम भाव होता है विवाह का, वो देखते हैं, वहाँ से विवाह देखा जाता है कि विवाह आपका कौन सी उम्र में होगा या विवाह आपका कब होगा। अगर सप्तम भाव कुंडली में पीड़ित हो जाता है, वहाँ पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है, या सप्तम भाव पर एक से ज़्यादा अशुभ ग्रह देखते हैं, तो विवाह में बहुत डिले हो जाता है। जैसे अगर एक ग्रह देखता है तो 3 साल का डिले हो जाता है, और अगर 3 से 4 ग्रह देख रहे हैं तो ये 10 साल तक का भी डिले हो जाता है। हमने देखा है कि आमतौर पर अगर शादी का देखें तो 25 से 28 के बीच में विवाह हो जाना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से भी। किसी किसी कुंडली में 40 और 45 वर्ष तक भी होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ विवाह स्थान पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि का पड़ना या फिर मांगलिक दोष की वजह से भी विवाह में डिले हमने देखा गया है। यदि सप्तम भाव का स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में हो, या शनि राहु केतु के साथ मंगल के साथ हो, तो भी विवाह में हमने देखा है कि बहुत डिले होता है। लग्नेश जब पीड़ित होता है या 6ठे 8वें 12वें भाव में जाता है तो भी वैवाहिक सुख में कमी आती देखी गई है, या विवाह बहुत देर से होता है। या जो लोग मांगलिक होते हैं उनकी भी कुंडली में हमने देखा है कि रिश्ता होकर कई बार टूट जाता है या बात नहीं बनती है, या विवाह में उनके डिले होता है। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जन्म पत्रिका में बनती हैं कि जिनकी वजह से विवाह में डिले होता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, लोगों को शायद ये पता नहीं होगा या बहुत कम लोग जानते हैं, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि केवल मांगलिक योग की वजह से विवाह में डिले होता है, लेकिन और भी ग्रह ऐसे हैं सप्तम भाव पर, अगर जैसे शनि की राहु की दृष्टि या केतु की दृष्टि हो या वहाँ पर बैठे हों ये ग्रह, तो भी विवाह में बहुत डिले होता है। रिश्ते आते हैं, अच्छे रिश्ते, लेकिन बात नहीं बनती है, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है और रिश्ता नहीं बन पाता, विवाह नहीं हो पाता। तो आज हम कुछ आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि जिनके आपको उन उपायों को करके आपकी शादी होने का योग बन जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं जो उपायों से जाने से पहले, ऐसी परिस्थितियों में जब विवाह देरी से होता है तो ऐसी परिस्थितियों में हमें किस देवी देवताओं की, कुंवारे लड़के या लड़कियों को पूजा कर, उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, अगर हम देखते हैं कि लड़कियां अगर वो बृहस्पतिवार का फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो उनसे जल्दी विवाह के योग बनते हैं। और एक और अच्छा है कि विवाह के लिए जो लोगों को शीघ्र विवाह के लिए उपाय बता रहे हैं, जैसे जो लड़कियाँ हैं खासतौर से, उनको प्रत्येक गुरुवार को नहाने के पानी में एक चुटकी अगर हल्दी डालकर स्नान कर लें तो बृहस्पति का आशीर्वाद मिल जाता है, तो ऐसे में उनके विवाह होने की जल्दी संभावना बन जाती है। और भोजन में केसर का अगर सेवन भी करते हैं तो इससे भी विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और एक चीज़ और है कि ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको या तो पीला वस्त्र कोई ना कोई धारण करना चाहिए, या फिर एक पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखना चाहिए, जिससे कि बृहस्पति के शुभ प्रभावों की वृद्धि हो और उनके जल्द से जल्द विवाह का योग बने। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए अगर विवाह में देरी हो रही है तो बृहस्पति देव जी को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है, खास तौर से कन्याओं की कुंडली में। जी बिल्कुल जी। और अगर बात की जाए जैसे मांगलिक दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? अगर आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है, अगर उसकी वजह से अगर शादी में डिले हो रहा है या रुकावट आ रही है, तो हम आपको उपाय बता रहे थे। बहुत सिंपल सा उपाय है, मांगलिक योग के कारण अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, अपने घर में कराना चाहिए, तो ये बहुत शुभ रहता है। इससे भी विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती है और शीघ्र विवाह के योग कुंडली में बन जाते हैं जी। लेकिन जिन लोगों की विवाह की आयु हो चुकी है या उससे भी पार हो चुकी है उनकी आयु, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनका विवाह हो जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जिन लोगों की विवाह की आयु हो चुकी है और फिर भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी वजह से रुकावट आ रही है जी, तो उनको शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबाल कर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिनाने पर रखकर उनको सोना चाहिए, तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इनको प्रवाहित कर देना चाहिए, तो जिससे शीघ्र विवाह के भी योग बनते देखे गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि रिश्ते बहुत आ रहे होते हैं लेकिन मन पसंद वर या वधू नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसी कोई इस तरह की मनपसंद अगर आपको विवाह करना है और वो वहाँ पे बात नहीं कर पाए, जैसे आजकल लव मैरिज प्रचलन में है, सब लोग करना चाहते भी हैं, तो इसके लिए क्या है कि एक बहुत सिंपल सा साधारण सा उपाय है, बहुत शानदार उपाय है। ये प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किया जाता है, आप ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष किसी भी माह के उसके प्रथम
बृहस्पतिवार के दिन उपाय करना है। इस प्रयोग में गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यानी आपको एक बार फिर से बता रहे हैं प्रयोग किसमें करना है। गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की आपको मिठाई ले लेनी है, हरी इलायची का एक जोड़ा ले लेना है तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार अगर आप करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे, आपके मनपसंद विवाह होने के भी योग बन जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मैम जी, जैसे कि आपने बताया कि किन कुंडली में कौन कौन से ग्रह होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी होती है और किन उपायों से एक और उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उपाय। जैसे गाय को रोटी देना से भी शीघ्र विवाह के उपाय बनते हैं, तो गुरुवार को गाय को 2 आटे की पेड़ी पर थोड़ी हल्दी लगाकर भी खिलानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं साथ में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल, अगर इसका भी भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी विवाह के योग बनते हैं, ऐसा देखा गया है। जी बिल्कुल। और किन उपायों से विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं और आप विवाह के बंधन में बन जाते हैं, तो इसी तरह अगर आपके भी ज्योतिष से संबंधित कोई सवाल है, कोई विषय है जिस पर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उन सवालों को, उन विषयों को अपने आने वाले कार्यक्रमों में उठा सकें। तब तक के लिए मुझे और मैंग जी को दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज़।